बोल बम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समाधि बाबा है, सब कमरथुआ लोग से यही निवेदन है हमको, 5-10 रुपया करके ज्यादा हम खाने के लिए नहीं, इन साल मंदिर मेरा तैयार हो जाइए, जैसे हो, किसी से कोई देखाबाजी नहीं है बाबा, प्रेम से जो दे वही आनंद हो मुझे। अच्छा। बस देहात से भी मांग छांग के मेरा शिवानंद गोस्वामी कब से शुरू किए हैं, उद्घाटन कब है? कल हो गया। कल हो गया, तो हमें आज के दिन बताया जा रहा था कि आज है। नहीं, कल हो गया। चाचा जी, थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये शिविर में जो है क्या क्या सुविधा मिलने वाला है? गर्म पानी, अच्छा, ठंडा पानी। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, आज हम दिखाने वाले हैं फिर से एक न्यू अपडेट में, और अभी हम हैं टंकेश्वर से पहले, और इसके बाद जो है ना, देख रहे हैं ना, उससे पहले वाला कांवरिया पथ पर कितना भीड़ है, दुकान सभी तैयार हैं, और चलते हैं पूरा। आज जो है ना, टंकेश्वर का शिविर भी दिखाएंगे, उसका उद्घाटन हुआ या नहीं, या फिर उसकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। और पिछले अपडेट में हमने दिखाया था आपको कि सभी तैयारी जो है बहुत ही तेज़ी से चल रही थी, और अभी देख रहे हैं ना, उस वक्त कांवरिया कम चल रहे थे, और अभी देख रहे हैं ना, सावन शुरू होते ही कितने सारे कांवरिया जो है चलने लगे लगातार देवघर यात्रा में। और चलते हैं पूरा वहाँ चल करके दिखाते हैं, लगातार देख रहे हैं दुकानों में भी बैठे हैं कांवरिया लोग, और आगे भी देख रहे हैं ना, काफ़ी दूर निकल चुके हैं, और कांवरिया पथ पर देख रहे हैं ना, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, और इस बीच में सिर्फ एक ही ये वाला दुकान जो है ना बन रहा है। तो कभी कभी दोस्तों, हमारा बाइक ना तेज़ चल रहा है तो आपको तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, एक साथ कितने सारे कांवरिया, बिल्कुल लंबी लाइन आपको देखने को मिल रहा है कांवरिया पथ पर। बोल बम। यहाँ पर देखिए, फिलहाल जो है ना, इसका सीन का तो इस सीन को कवर कर रहे हैं बिल्कुल पहाड़ वाले को, और आगे सुइया पहाड़ में जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, ऐसा जो है ना सभी कांवरियों का मन लग रहा है देख करके, और जानकारी मिल रही है। फिलहाल यहाँ से जो है ना पहुँच चुके हैं टंकेश्वर, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके बाद जो है ना फिर आगे देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे कांवरिया यहाँ पर भी हैं, और ये बाबा जो है ना मंदिर वाले एक्टिव हो चुके हैं कांवरिया पथ पर, क्योंकि पहले नहीं थे। बोल बम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा समाधि भेजो। बोलिए। यहाँ कोई रोड पर रथी नहीं है। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हम समाधि बाबा हैं, सब कमरथुआ लोग से यही निवेदन है हमको, 5-10 रुपया करके ज्यादा हम खाने के लिए नहीं, इन साल मंदिर मेरा तैयार हो जाइए, जैसे हो, किसी से कोई देखाबाजी नहीं है बाबा, प्रेम से जो दे वही आनंद हो मुझे। अच्छा। बस देहात से भी मांग छांग के मेरा शिवानंद गोस्वामी। ये कब से शुरू किए हैं? ये मेरा हम रमरमी से हैं प्रभु जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं शुरू किए हैं, और इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, और ये कांवरिया पथ पर पीछे दिख रहे हैं कितने सारे कांवरिया हैं, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बाबा, जो दे तो सही है बाबा, नहीं तो किसी तरह से इनको पालन करके हम बनाएंगे बाबा। और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, बस आप लोग से यही दुआ कहना चाहते हैं, हमें पर थोड़ा सा देखा जाए, और कष्ट को थोड़ा सा दुख को दिखा जाए प्रभु जी, जो हमें बहुत कष्ट में है, इसको बनाए, बड़ा गढ़ा भरे एक एक डाला प्रभु जी, और कुछ नहीं। हर हर महादेव, जय श्री राम। और यहाँ पर देख रहे हैं, ये सूचना केंद्र टंकेश्वर है, और यहाँ पर जगह जगह पर आपको सूचना केंद्र मिलने वाला है, और इसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और जो है ना आगे का हम आपको शिविर दिखाते हैं, 3-3 शिविर जो है ना कांवरिया पथ पर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, वो भी फारविसगंज और अररिया वाला। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ का जो दुकान वगैरह है कितना ज़्यादा चालू हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, काफ़ी सारे कांवरिया जो है यहाँ पर दुकान में बैठे हैं, ये देख पा रहे हैं, और तैयारी जो है ना पूरी हो चुकी है टंकेश्वर का। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं टंकेश्वर में, आप सभी को हम दिखा रहे हैं ना, चलते चलते कैमरा को बहुत ज़्यादा हिलना पड़ता है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर पानी की बहाव से कांवरिया पथ की जो स्थिति है बिल्कुल इस जगह पर ख़राब हो चुकी है। आप पूरा देख रहे हैं ना, रास्ते पर दुकान वगैरह बिल्कुल बनकर तैयार है, ये वाला बड़ा दुकान देख रहे हैं, बाबा का ढाबा बिल्कुल तैयार हो चुका है, यहाँ पर है ये देखिए, हर हर महादेव भोजनालय होटल, और सभी तैयारी हो गई है, और बिल्कुल देख रहे हैं ना टंकेश्वर बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक ही वीडियो में आपको हम कवर करके दिखा रहे हैं, देख रहे हैं कितना बड़ा पंडाल है, पहले दिखाए थे उसका बांस वगैरह स्ट्रक्चर बना था, ये शिव की प्रतिमा बहुत बड़ा बनाया जाएगा, ये दुकान दिखाए थे, देखिए चालू हो चुका है, कांवरिया रुकने लगे हैं, यहाँ पर भी ढेर सारे कांवरिया हैं एक साथ। बोल बम, जोर से बोलिए, बोलते जाइए। और देख रहे हैं ना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से हम धीरे धीरे आपको चल करके दिखा रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला शिविर है, यहीं पर हमें रुकना है,
और जानकारी लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार भेजा जा रहा है, तो हम आ भी चुके हैं आप सभी भक्तों का अपडेट लेने के लिए और जानकारी देने के लिए। कैसे हैं आप लोग? फिर से भेजा गया है आप लोगों के पास। अच्छा है। इसका काम कब से शुरू किए हैं? अभी दो दिन काल और आज। दो दिन हुआ है। वो वाला उद्घाटन कब है? कल हो गया। कल हो गया, तो हमें आज के दिन बताया जा रहा था कि आज है। नहीं, कल हो गया। हमें फ़ोन करके बोला कि उसका उद्घाटन आज है और जाइए आप। कल विधायक जी आए थे। अच्छा अच्छा। रात 7 बजे करीब। तो देख रहे हैं ना, जानकारी लेने के बाद पता चल रहा है कि उनका उद्घाटन कल ही हो गया। पूरा शिविर देख रहे हैं कितना अच्छा बनकर तैयार है। ऊपर देख रहे हैं गुंबज कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग बनाए हैं और इन्हीं लोग भाइयों लोग का मेहनत है। जैसा कि हमने पहले एक बार दिखाया था कि वो वाला पंडाल जब बन रहा था ना, उस वक्त दिखाया था, और अभी देखिए बना करके तैयार कर दिए हैं। और इधर का देख रहे हैं ये बनाया जा रहा है, ये अररिया का है, वो फारबिसगंज वाला है। और आगे जो बनने वाला था पशुपतिनाथ वाला, वो क्या हुआ? वो भी बनेगा। अभी बना नहीं है? अभी नहीं बना। और कितना समय लगेगा इधर होने के बाद? अच्छा, इसको अब होने के बाद वहाँ जाना है। 6 तारीख को उद्घाटन करेगा लग रहा है। अच्छा, तो चलते हैं अब, थोड़ा सा वहाँ चलते हैं और अंदर घूम करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, ये वाला जो है ना बजरंग होटल फिर से तैयार हो चुका है, और यहाँ पर अभी कांवरिया नहीं ठहरे हैं। और इधर वाला जो शिविर है ना, देख रहे हैं ना, फारबिसगंज वाला हमने दिखाया था कितना खूबसूरत बना दिया गया है ऊपर तक। तो अंदर चलते हैं, इसका उद्घाटन आज मतलब हम आए हैं तो बताया गया कि कल ही हो गया था, और लगभग देख रहे हैं ना बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। और इसका जो है ना स्टार्ट होने का जो दिन था उद्घाटन का, वो 3 तारीख को ही कर दिया गया था। और देख रहे हैं ना शिविर में कितने सारे यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत सारा यहाँ पर देखना सुविधा दिया जा रहा है। तो फिलहाल हम कोशिश करते हैं यहाँ पर किसी से बात करने का। यहाँ पर देखने ये रहा चिकित्सा सेवा, और यहाँ पर देखने पूरा फारबिसगंज सेवा शिविर, यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, दाता का नाम भी लिखा जाएगा, तो फिलहाल अभी नहीं लिखा गया है। और इधर भी देखने पूरा प्रोग्राम है, और यहाँ पर जो है ना इधर स्टेज बनकर तैयार है। तो देख रहे ना किस प्रकार तैयारी है आप सभी भक्तों के लिए। और यहाँ पर प्रोग्राम होगा तो उसको भी दिखाएंगे। पूरा बोर्ड लगा हुआ है फारबिसगंज कांवरिया सेवा शिविर सर्वत सेवा पूरा सावन माह का पूरा देखने लिखा हुआ है। और दाता जी हैं सुनील जी शाह, विराट नगर नेपाल द्वारा। और मतलब जो जो यहाँ पर दाता है ना, उनका यहाँ पर देख रहे हैं शुरू से अंत तक ये बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए शुरू से अंत तक यहाँ पर दाता का बोर्ड लगा हुआ है, और पूरा वहाँ तक लगा हुआ है, और शिविर की बिल्कुल तैयारी हो गई है। तो चलते हैं अब यहाँ से जानकारी लेते हैं। चाचा जी, थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये शिविर में जो है क्या क्या सुविधा मिलने वाला है? गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू चाय, खाना, डाक बम फल सेवा, सत्तू, सब सेवा फ्री है। 24 घंटा सेवा मिलने वाला है। हाँ, 2 महीना कंटिन्यू ये शिविर रहेगा। फारबिसगंज कांवड़िया सेवा शिविर ये है। अच्छा, चाचा जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या, जैसे बोल रहे थे अभी? हम क्या बोलेंगे, जो चीज हम बोले बोल दीजिए। ठीक है ठीक है। हम लोग तो पूरे जो यहाँ आप लोग सब कार्यकर्ता हैं शिविर के? तो पूरा यहाँ पर देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता है, यहाँ पर मेडिकल लगा हुआ है। पूरा शिविर में देख रहे हैं कितने सारे कांवरिया हैं, और सभी जानकारी आपको मिल चुका है। देख रहे हैं दोस्तों, आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है, पूरा जो है ना शिविर तैयार है। और वीडियो कैसा लगा अंत तक और जानकारी आप तक पहुँची तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। लगातार जो है ना आपकी डिमांड और कांवरिया पथ की जानकारी आप तक मिलते रहता है इसी चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ।